नमस्कार दोस्तों, 563 ईसा पूर्व कपिला वस्तु के निकट लुम्बिनी में, जो आज नेपाल के नाम से जाना जाता है, शुद्धोधन नामक राजा का एक राज्य हुआ करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके नामकरण के लिए राजा ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया। उन ऋषियों का कहना था कि या तो यह बच्चा एक बहुत ही महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा, पर शुद्धोधन उसे एक भिक्षु के रूप में नहीं, एक महान राजा के रूप में देखना चाहता था। इसीलिए उसने अपने पुत्र को हमेशा राजमहल में ही रखा। पुत्र की शिक्षा से लेकर उसका विवाह महल के अंदर ही हुआ। पर जब शुद्धोधन का समय आया तो उसके पुत्र को राजपाट संभालने के लिए बाहर निकलना ही पड़ा। एक दिन जब उसका पुत्र नगर की सैर कर रहा था, उसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके दांत टूटे हुए थे, उसके बाल पक चुके थे और वह टेढ़ा हुआ लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरी बार उसकी आंखों के आगे एक रोगी आया। इसी तरह तीसरी बार उसे एक अर्थी दिखी। चार आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे, जिसके पीछे बहुत सारे लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ छाती पीट रहे थे और कुछ अपना सर नोच रहे थे। इन दृश्यों ने उसे बहुत ही विचलित किया। उसने सोचा, धिक्कार है जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। चौथी बार उसे एक सन्यासी दिखा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया और इसी तरह एक दिन शांति और प्रसन्नता की खोज में अपने घर परिवार को त्याग कर जंगलों में तपस्या करनी शुरू की और कुछ समय बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे कहलाए महान गौतम बुद्ध। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।